हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय वर्क इज माय पैशन। आज हम आपको सिखाएंगे कि मेहंदी का पहले दिन किसे कैसे सीखा जाता है। तो ये पहला दिन हम से आपको सिखा रहे हैं कि गोल कैसे बनाते हैं। देखिए, आपको मेहंदी सीखने से पहले आपको पेंसिल की मदद से स्केच बनाना होता है। सो देखिए, इस तरीके से ये गोल आप शेप ले लीजिए और इसे हम आधा ही बनाएंगे, आधा ही हम मेहंदी में बनाएंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन हमें बहुत देखने को मिलता है। अभी हमारा दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में हम आपको सिखाएंगे कि गोल, हाफ़ गोल हमें कैसे बनाना है। हाफ़ गोल बनाने के बाद हमें बीच का हमेशा ही भर देना रहता है, क्योंकि खूबसूरत लगे। सो आपको तीन बारी चार बारी ये गोल बनाना रहता है। सो आप देखिए, इस तरीके से हम बना रहे हैं। ये हमारा सिंपल स्टेप हम इस वजह से डाल रहे हैं ताकि आपको पहले दिन सीखने में कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से सीख जाएं। तो देखिए, इस तरीके से जितना सुंदर आपका गोल होगा उतनी सुंदर आपकी मेहंदी होगी। सो ये मेहंदी के लगाने का पहला स्टेप है। ओके, ये अगर आप मेहंदी की शुरुआत करती हैं तो ये आप को अधिकतर ऐसे ही करना होता है। सो ये चौथा स्टेप है हमारा। ये आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से बना हुआ है। आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है, जो कि आपको मेहंदी के डिज़ाइन में बहुत ही मदद देती है बनाने के लिए डिज़ाइन। सो अगर आप चाहती हो कि आपको मेहंदी आए, तो ये देखते भी रहिए और इसे आप करते भी रहिए पेंसिल की मदद से। और अगर आपको कुछ भी करना है, ये सीखना है, तो आप साथ साथ में रिपीट अगर नहीं करोगी तो आपको नहीं आएगा। सो आप देखते रहिए और इसे रिपीट करते रहिए अगर आपको मेहंदी सीखना है। तो देखिए, इस तरीके से ये हम मैंगो का शेप दे देंगे, जैसे लाइक यस है ये। यस अगर आप पढ़ते हो तो यस बना करके फिर हमने उसे मैंगो का शेप दे देना है। ये मेहंदी में बहुत ही खूबसूरत डिजाइन का लुक एंड बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसी के लिए हम देखिए यही सेम प्रोसेस करके हमने ये बना दिया है, क्योंकि आप मेहंदी से कोई भी डिजाइन बना सकती हो, खूबसूरत लगेगा। अगर आपको सीखना है सो देखिए, इस तरीके से हमने बनाते जाना है, आपको भी रिपीट करते हुए जाना है, तभी आपको आएगा। सो देखिए, ये भी स्टेप, ये हमारा जो सातवां स्टेप है, ये बहुत मेहंदी में, मतलब इतनी समय मेहंदी में इसे यूज किया जा रहा है। सो इसे आप ज़रूर सीखें। अगर आपको जब टाइम मिलता है तब आप इसे सीखते रहें, आपको मेहंदी लगाने ज़रूर आ जाएगा। सो अगर आप मेहंदी लगाती हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर हम आपको मेहंदी लगाना सीखना है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। एंड देखिए, ये आठवां हमारा डिज़ाइन बन रहा है कि ये देखिए, ये मेहंदी का है। इस तरीके से ये बनाना है, बहुत ही हेल्पफुली ये बन जाता है और खूबसूरत भी लगता है। सो इसी प्रोसेस में हम आपको दिखा सकते हैं कि ये हाफ़ डिज़ाइन में भी बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके से ये हमारा पेंसिल का लुक इस तरीके से कुछ बनेगा, ये ऐसे करके। इसी में हम ये जो हमने छठे वाले में बनाया हुआ है उसी का ये सेम प्रोसेस हम इसमें डाल देंगे, तो मेहंदी आगे बढ़ जाएगी हमारी। सो बहुत ही प्यारी लुक्स आपको मिल जाएंगे। देखिए, इस तरीके से ये ऐसे करके आपको मेहंदी लगाने में आसानी होगी और आप जल्दी से सीख भी जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर आपको पत्तियां बनानी होती हैं, पत्तियों के साथ अगर मेहंदी बनाओ तो और भी प्रीटी और खूबसूरत लगती है इस तरीके से। सो यही प्रोसेस हम करेंगे फिर से आपको दिखाने के लिए। सो देखिए, इस तरीके से ये हमारा बन गया है। इसी में अगर आप चाहें तो आप फ्लावर भी डाल सकते हो, जस्ट लाइक नौवें में हमने डाला हुआ है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय दोस्तों, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।